क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में आज क्रांतिकारी शायर फैज अहमद फैज की नज्म पर भड़के विवाद की पड़ताल की बात होगी। फैज की जिस नज्म ने एक जमाने में पाकिस्तानी तानाशाह जियाउल हक की नींव हिला दी थी, उसी नज्म पर हिंदू विरोधी होने की तोहमत लग रही है। आईआईटी कानपुर में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे छात्रों ने उस नज्म को आवाज दी तो हिंदू मुस्लिम वाली सियासत होने लगी। हम अहले सफा मर्दूद हराम मस्जिद पे बिठाए जाएंगे, सब तार चढ़ाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर। हुकूमत के खिलाफ बगावत की इस बुलंद आवाज पर बवाल मचा है। ये मशहूर शायर फैज अहमद फैज की नज्म है, वो नज्म जिसने एक वक्त में तानाशाही के तार हिला दिए थे, वो नज्म जिसे आजादी का परचम माना जाता है। लेकिन आज इसी नज्म पर सवाल उठ रहे हैं। फैज अहमद फैज इस अजीम शायर से शायद आप वाकिफ हों। आजादी के वक्त जब मुल्क टूटा था तो फैज भी हिंदुस्तान से टूटकर पाकिस्तान चले गए थे। रिहाई सरहद की दूसरी तरफ जरूर थी, लेकिन नज्म की रवानगी कभी ढीली नहीं पड़ी। लेकिन हक और हुकूक के शायर रहे फैज की बेहद चर्चित नज्म पर हिंदुस्तान में हल्ला बोल रहा है। एक बहुत ही जहरीली कविता जिसको अगर मैं आपको यहाँ पे सुना दूँ तो शायद क्या हो जाए। उसके शब्द ये थे कि जब यहाँ पे सारे बुत मूर्तियाँ जब तोड़ी जाएंगी, गिराई जाएंगी, और जब केवल और केवल अल्लाह का नाम ही रहेगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो इस तरीके की जब घृणित और इतनी कम्युनल बातें यहाँ पे करी गई थी तो हम समझ गए कि इसका जो उद्देश्य है वो तो कुछ और ही है। तो फिर हमने उस चीज़ को वहीं पर ही रोकने का प्रयास किया, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। जिस नज्म से जियाउल हक जैसे तानाशाह की नींव हिला दी गई, उसी नज्म पर जांच समिति बिठाई जा रही है। ये तय किया जा रहा है कि फैज अहमद फैज की इस नज्म हिंदू विरोधी है या नहीं। अब जरा इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। नागरिकता कानून के खिलाफ आईआईटी कानपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने फैज की नज्म पढ़ी तो सवाल खड़े हो गए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के निष्कर्षों के बाद। आईआईटी के एक तबके को फैज की नज्म उन्माद फैलाने वाला और हिंदू विरोधी लगा। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि विरोध नज्म को लेकर नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे को लेकर है। सारी शिकायतें कि वहां पर कोई नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, कोई भड़काऊ भाषण हुए थे कि नहीं हुए थे, जांच चल रही है, जब जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। बस दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के निष्कर्षों के बाद। फैज की नज्म पर सवाल उठे तो शायरों की बिरादरी को बुरा लगा। एक नज्म पर हिंदू मुसलमान के दायरे की दीवार खींचना शायरों को नागवार लगा। वो आदमी जो कि अपनी जिंदगी के जो उतने साल पाकिस्तान के हैं उनमें से आधे बरस तो मुल्क से बाहर गुजारे, इसलिए कि वो मुल्क में रह नहीं सकता था, जिसको एंटी पाकिस्तान कहने लगे थे लोग। होता क्या है आजकल, यहाँ एंटी इंडिया कहते हैं ना, जहाँ आपने फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बात की, जहाँ आपने तंग नजरी और नफरत के खिलाफ बात की, तो कहते तुम देश के खिलाफ हो। यहाँ जो बुद्ध जिसके बारे में कहा जाता है वो नफरत का सिंबल है। यहाँ वो बुद्ध नहीं है जो हमारे देवताओं के हैं, देवियों के हैं। अगर ऐसा अगर जोड़ा जाए तो उसका हिसाब वो इस मतलब में नहीं आता है। साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सियासत साहित्य को भी कई बार दबोच लेती है। इस बार फैज की नज्म इस चपेटे में आ गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम देखेंगे, फैज की ये नज्म भी अब सियासत के दायरे में आ गई है, अलग अलग स्वर इस पर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन फैज की नज्म क्या वाकई हिंदू विरोधी है, या उस पर उठ रहे सवाल के पीछे सियासत है, इस पर क्या कहते हैं शायर मुनव्वर राणा, सुनिए। हम इस वक्त मुनव्वर राणा के साथ हैं। मुनव्वर राणा साहब को पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात जो
बड़ी बात है ये कि फैज अहमद फैज को न सिर्फ इन्होंने पढ़ा है बल्कि ये फैज अहमद फैज के सहपाठी भी रहे हैं, यानी उनके साथ भी उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये वो हस्ताक्षर हैं कि अगर ये बात कुछ कहते हैं तो शायद इनसे बेहतर तरीके से फैज अहमद फैज के बारे में कहने और रखने वाला शायद ही कोई हो। मुनव्वर साहब, आज तक में आपका स्वागत है। ये बताइए सर कि जिस तरीके से फैज अहमद फैज की कविता हम भी देखेंगे जो है उसे लेकर इस समय पूरे देश में कह सकते हैं बंटवारा हुआ पड़ा है, जो नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में इसे गा रहे हैं और दूसरे लोग इसके विरोध में हैं कि एंटी हिंदू है। देखिए ऐसा है कि एक तो शायरी के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि शेर के मतलब शायर के पेट में होते हैं, कविता के मतलब जो होते हैं वो कवि के पेट में होते हैं, उसको लोग गेस कर सकते हैं और उसको एक दूसरे मतलब निकालना बहुत आसान है। जैसे एक शायर थे जो नेशनल पोएट कहलाते थे, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इनकलाबी शायर माने जाते थे, जोश मलियावादी, जो हिंदुस्तान के इतने बड़े आशिक थे कि जब उन्होंने पाकिस्तान जाकर वो किताब वहां लिखी यादों की बारात, तो उस जमाने में उस किताब पर ये जुर्माना था कि जिसके पास से बरामद हो जाएगी उस पर 10,000 रुपए उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, सजा होगी उसकी। तो उसकी वजह यह थी कि वो उस किताब में उन्होंने सच बोला था। सच बोलने की प्रॉब्लम शायरी में यही होती है कि कभी कोई बुरा मान जाता है, कभी कोई बुरा मान जाता है। फैज की नज्म निशाने पर है और सियासी दल अपने अपने सवालों के साथ दंगल पर उतरे हैं, लेकिन इस दंगल के पीछे असली वजह दरअसल नागरिकता कानून को लेकर चल रही राजनीति है। केंद्रीय संस्थान है और वहाँ के डायरेक्टर ने इस पे जांच के लिए कहा भी है। मैं समझता हूँ जल्दी इसके नतीजे आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की हिंसा की गतिविधि या आपस में लड़ाने की या एक धर्म के खिलाफ या दूसरे धर्म के खिलाफ चेहर उगलने की कोई अनुमत नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र करके खासतौर से नौजवानों को भड़काने के लिए, उनमें आपस में विद्वेष पैदा करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना चुके हैं और उसमें से एक ये भी है। देखिए ये इतनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, कानपुर जैसे IIT जिसकी इतनी अच्छी एक स्टैंडर्ड है, उनमें से ऐसे भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ना इतिहास जानते हैं, ना कविता पढ़ने जानते हैं और ना फैज अहमद फैज को पहचानते हैं। ये क्रांतिकारी गीत है, ये मजदूरों की गीत है, ये पीड़ितों की गीत है जो कहते हैं हम वो दिन देखेंगे जब हम ये जालिमों की जो सत्ता है उसको उखाड़ के फेंकेंगे। ये क्रांतिकारी गीत, और फैज अहमद फैज कौन थे इनको पता भी है, वो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। नागरिकता कानून पर जारी राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी पूरी ताकत से उतरने वाली है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच बीजेपी घर घर जाकर जनता को हर सवाल का जवाब देगी। नागरिकता कानून पर तलवारें म्यान में आती नहीं दिख रही। न सरकार कदम खींचने को तैयार है, न ही विपक्ष का इरादा हार मानने का है। नए साल की शुरुआत के साथ ही जंग की नई सीरीज भी आगे बढ़ रही है। नागरिकता कानून के खिलाफ जंग का सबसे चर्चित अखाड़ा बन चुके जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध का दौर जारी है। तीव्रता थोड़ी कम जरूर है, लेकिन देश के दूसरे शहर भी विरोध की आंच से अछूते नहीं। तैयारी सरकार ने भी भरपूर कर रखी है। आज से बीजेपी कानून के समर्थन में कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है। 1,000 से ज्यादा रैलियां, हर जिले में रैली, पंचायत स्तर पर बैठक, 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस, बुद्धिजीवी सम्मेलन। बीजेपी घर घर जाएगी, नागरिकता कानून पर घमासान को आगे बढ़ाएगी। इस अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा आज शाम वडोदरा से करेंगे। अब तक नागरिकता कानून पर दोनों पक्षों की तनातनी पूरा देश देख चुका है। कानून की मुखालफत पर भड़की हिंसा भी देश ने देखी। अब इस मोर्चे पर नई ताकत झोंकने की तैयारी है।
आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी कहे कि जब पार्लियामेंट ने जिस कानून को बनाया है हम उस कानून को नहीं मानेंगे। ये तो जो है वो असंवैधानिक भी है और साथ ही साथ जो है वो कहीं आपके संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर, आपके कमिटमेंट पर सवाल खड़ा करता है। आपको किसी भी सरकार का रेजोल्यूशन पसंद आए या ना पसंद आए, हाउस के अंदर जो डिस्कस होता है इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू कंटेम्प्ट किसी भी तरीके का। तो इनको भी ये बात समझनी चाहिए, जब ये सांसद होते हैं ये सांसदों का भी प्रिविलेज होता है और विधायकों का भी प्रिविलेज होता है। तो नागरिकता कानून पर उठी सियासी आंधी अभी देश को झकझोरती रहेगी। बीजेपी ने इसे बड़ी चुनौती के तौर पर लिया है तो कांग्रेस इसे नोटबंदी पार्ट टू की तरह भुनाना चाहती है। दिल्ली से मानशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकता कानून पर वक्त आगे जरूर बढ़ रहा है लेकिन राजनीतिक वार पलटवार धीमे नहीं पड़ रहे और इस रण में रोजाना नई ताकत से सवाल उछाले जा रहे हैं। एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, राहुल गांधी जी को पता नहीं। एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, राहुल गांधी जी को पता नहीं। गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, सीएए जीएसटी एक ही है वो समझते हैं। अभी बहुत दुर्भाग्य है भाई। राहुल गांधी जी कौन, आपको कौन सा पंडित आपको ट्यूशन दे रहे हैं पूछे पते नहीं मालूम। सरकार कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं, किस पे यकीन किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। प्रांतों में और केंद्रीय सरकार के अंदर टकराव पैदा हो गया, देश छिन्नभिन्न हो जाएगा, देश टूट जाएगा। जो आज देश में लोग कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं किसी भी नियम का हो, नीति का हो, वो उनकी आवाज को सुनने की जरूरत है। आज राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के कहने पर ये कह रही है, तो मैं भारत सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि संविधान को मानकर राज्य सरकारों को लेकर आप कोई भी कानून पास करेंगे सब उसको लागू करेंगे। तो इसमें मेरा मानना है इट इज़ अ लाइक का सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस की तरह का अगर ये मूवमेंट है इसमें आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, किसी के साथ मेरा मानना है कि डिविजन बढ़ा के नहीं चलना चाहिए। नागरिक संशोधन कानून और नागरिकता ये केंद्र का मसला होता है, राज्य का होता ही नहीं है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी जानकारी नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। वो कुछ भी प्रस्ताव पारित करें, क्या संघीय प्रणाली को नहीं मानते हैं, क्या वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं फेडरल सिस्टम को। इसलिए ऐसी बात करके टकराव तो का सवाल ही नहीं है क्योंकि नागरिकता सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।